What's up guys, this is Ayaaz Kicxter, welcome back to another video. Guys, as you know, 2019 has started and this is our 2019 first tutorial. Basically guys, in today's video, I am going to teach you guys flash kick. Guys, flash kick is basically a backflip very easy variation है. And it looks very cool move that you hit backflip and you hit a kick in the air. It looks very big. Let's get started, let's learn the flash kick. Guys, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ट्यूटोरियल. Guys, basically अगर आपको flash kick सीखनी है, तो सबसे पहले मैं आपको recommend करूंगा कि आपको backflip आनी चाहिए. एक तो backflip आनी चाहिए, दूसरी एक without tuck backflip आनी चाहिए. Guys, basically flash kick में क्या होता है? हम लोग tuck नहीं करते हैं. तो इसीलिए आपको एक without tuck की भी backflip आनी चाहिए. तो जल्दी से मैं आपको एक without tuck की backflip दिखाता हूँ. So guys, ये थी हमारी without tuck की backflip. I hope कि आप लोगों को ठीक लगी होगी. Basically guys, flash kick को सीखने के दो तरीके होते हैं. एक आप अपनी back hand spring को flash में convert कर सकते हैं and दूसरा अपनी ये without tuck वाली backflip को flash में convert कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको without tuck backflip वाला तरीका समझाता हूँ. Basically अगर आपको without tuck backflip आती है तो ये बहुत ज़्यादा simple तरीका है, लेकिन एक तरह से difficult भी है. क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, आप विदाउट टक बैकफ्लिप मार रहे हो, आप बस एक अपना पैर चुन लो जिससे आप अच्छे से किक कर सकते हो, राइट या लेफ्ट जो भी आपको लगता है जिससे आप अच्छी किक कर सकते हो. बस आप विदाउट टक बैकफ्लिप में वही पैर जो है एक्सटेंड कर दो, अलग कर दो एंड पूरी ताकत से किक मारने की कोशिश करो एयर में. बस यही तरीका है अपनी विदाउट टक वाली बैकफ्लिप को फ्लैश में कन्वर्ट करने का. अगर आप विदाउट टक बैकफ्लिप मार रहे हो एंड आपको लगता है कि आपका राइट लेग या लेफ्ट लेग किक कर सकता है, तो आप एक बार हपक के किक कर दीजिए एयर में, पूरी दम से किक कर दीजिए एंड आपकी लैंडिंग जो है शायद आपकी किकिंग लेग पे हो जाएगी. 100% गारंटी नहीं है गाइस कि आपकी फर्स्ट टाइम में लैंडिंग हो पाएगी. अगर फर्स्ट टाइम में हो जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो आपको उसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करना पड़ेगा. एंड इसके जो मेन पॉइंट्स ये हैं कि आप जब हाथ स्विंग करते हो तो पूरी ताकत से स्विंग करिए, पंजे से टेक ऑफ करिए, पंजे पर ही लैंडिंग करिए एंड जो आपका किकिंग लेग है फ्लैश किक का, उसको पूरी ताकत से किक मारिए. इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्लैश किक है उसमें रोटेशन में भी हेल्प मिलेगी. क्योंकि नॉर्मल बैकफ्लिप में हम लोग टक कर लेते हैं, इसमें टक नहीं है, तो रोटेट जो है हमको अपने हाथ और पैरों की मदद से रोटेशन करनी है. तो हाथों को अच्छे से स्विंग करिए और फ्लैश किक वाले पैर से दम से किक करिए. तो गाइज ये हो गया हमारा बैकफ्लिप को फ्लैश किक में कन्वर्ट करने वाला तरीका. अब हम लोग चलते हैं बैक हैंड को बैकफ्लिप वो फ्लैश किक में कन्वर्ट करने वाला तरीका. तो बेसिकली हम लोगों को इसके लिए बैक हैंड आनी चाहिए. अगर नहीं आती आप मेरा ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो बैकफ्लिप का भी और बैक हैंड स्प्रिंग का भी. तो बेसिकली बैक हैंड स्प्रिंग को फ्लैश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक बैक हैंड स्प्रिंग माननी है एंड उसमें एक फ्लैश किक ऐड कर देनी है. बेसिकली ये बहुत सिंपल एंड बेसिक ईजी मूव है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है. गाइज ये थी हमारी बैक हैंड स्प्रिंग में फ्लैश किक. गाइज बस अब हम लोगों को इसी को प्रोग्रेस कर देना है अपनी फ्लैश किक में. बेसिकली अभी हम लोगों ने बैक हैंड स्प्रिंग में फ्लैश मारी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जंप देने की कोशिश करेंगे बैक हैंड स्प्रिंग में. जैसे हम लोग बैक हैंड स्प्रिंग को बैकफ्लिप में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, सेम वही करेंगे कि बैक हैंड स्प्रिंग मारेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी ऊपर की तरफ फेंकेंगे एंड अपनी एयर में फ्लैश किक मारेंगे जैसे बैक हैंड स्प्रिंग में मार रहे थे. तो बस उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उसको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में हम लोगों को फ्लैश किक में करना क्या है. बॉडी को ऊपर फेंकना है, अपने कोई भी एक किकिंग लेग से पूरी दम से किक करनी है एंड अगर आप लोग ने एक बार अपनी बैक हैंड स्विंग में से हाथ हटा दिए ज़मीन से तो आपकी जो फ्लैश किक है वो पड़ जाएगी. गाइस अब आपको फ्लैश किक की एक मोशन समझा देता हूँ मैं ग्राउंड पर. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैकफ्लिप में अपना जब टेक ऑफ कर लेते हैं, हमारे पैर जब एयर में होते हैं, देन हम लोगों को किक को इन दोनों पैर को अलग कर देना है, अपनी किकिंग लेग से किक जो है एक्सटेंड कर देनी है एंड ऑल द वे पूरी ऊपर की तरफ से किक मारनी है. एंड गाइज इसका सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है कि आप अपनी किक को जो है पूरी पूरी ताकत से करिए. क्योंकि अगर आपकी किक जो है वो लूज़ हो गई तो आपकी रोटेशन भी नहीं आएगी, आप शायद गिर भी सकते हो. तो किक को जो है पूरी पूरी ताकत से करिए, पूरे दम से करिए. गाइज फ्लैश किक में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस इसी चीज़ में होती है कि हाइट कैसे ज़्यादा इंक्रीज़ करी जाए. तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बैक फ्लैश मारते हैं तब हम लोग अपने सर को पीछे फेंक देते हैं, जैसा कि हम लोग बैकफ्लिप में नहीं करते हैं. बैकफ्लिप में हम लोग क्या करते हैं, सर को रोक लेते हैं तो हाइट आ जाती है, लेकिन इसमें जो है हम लोगों की हाइट जो है थोड़ी सी कम हो जाती है नॉर्मल बैकफ्लिप के मुकाबले, क्योंकि हम लोग सर पीछे फेंक देते हैं. तो इसमें हाइट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाएँ, सिंपल तरीका है गाइस, जब आप ही हाथ स्विंग करते हो तो अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर फेंकने की कोशिश करिए. सर भले आपका पीछे जा रहा है लेकिन हाथों से बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट आएगी.
गाइज अब सब चीज की बात हो गई, अब लास्ट चीज की बात कर लेते हैं, लैंडिंग। गाइज फ्लैश किक की लैंडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर होती है, लेकिन आप अगर इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लैंडिंग होने लगेगी। जैसा कि अभी गाइज आप लोगों को बताया था कि फ्लैश किक में टेक ऑफ जो है पंजों से करें और लैंडिंग भी पंजों पे करें, सेम वही जो चीज है आपको फॉलो करनी है लैंडिंग के टाइम, यानी कि पंजे पे लैंडिंग करनी है एंड अपनी बॉडी को जितनी ज्यादा आप ऊपर फेंकने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा ईजी आपकी लैंडिंग हो जाएगी। अगर आपने बॉडी को डायरेक्ट पीछे फेंक दिया तो लैंडिंग जो है बेकार होगी, क्योंकि बॉडी में हाइट नहीं रहती है। इसलिए बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा बस मेन चीज़ यही है कि ऊपर फेंकें, अच्छी सी फ्लैश किक मारेंगे, आपकी लैंडिंग जो है अच्छी हो जाएगी। सो गाइज ये तो मेरा आज का ट्यूटोरियल, फ्लैश किक का ट्यूटोरियल और साल का पहला ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड लक गाइज, गुड लक विद द ट्रेनिंग, गुड लक विद द फ्लैश किक, पीस आउट।